हेलो फ्रेंड्स, कुछ व्यूअर्स मुझसे नाराज़ है, शिकायत है कि मैं फेक स्पॉन्सर्ड वीडियो बना रहा हूँ, पैसों के लिए मैं बिक गया हूँ। तो चलिए डायरेक्ट स्ट्रेट पॉइंट पर आता हूँ, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि मैं फेक स्पॉन्सर्ड वीडियो बना रहा हूँ या फिर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप मेरे पुराने वीडियोस ओपन करके देखिए, उसमें मैंने क्या बोला है। मैंने ऑलवेज यही बोला है, जो मेरा हेयर कंडीशन ऐसा था इससे और कम था, मैंने अपने जो हेयर रीग्रो करवाया वो मिनोक्सिडिल टर्मरोलर मल्टीविटामिन से रीग्रो करवाया। जब मुझे प्रॉपर रिजल्ट मिल गया तब मैंने उनको स्टेप बाय स्टेप छोड़ा है और नेचुरल प्रोसेस से मेरे हेयर को मेंटेन करा है, जैसे कि बालायम, हेड स्टैंड, योग, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल से मैंने अपने हेयर को मेंटेन करा है। और 4 साल हो गया मैं कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत मल्टीविटामिन टैबलेट ले लेता हूँ जब प्रॉपर सब्जी या फ्रूट्स अवेलेबल ना हो तब। अब अगर आप उन पुराने वीडियोस को लेटेस्ट वीडियो के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो एक चीज़ आप पाएंगे कि मैंने कभी भी अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं किया है। जो स्टेटमेंट पहले देता था आज भी वही स्टेटमेंट मेंटेन करते आ रहा हूँ, वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ व्यूअर्स के जो हेयर कंडीशन है बहुत ही सीवियर है, जो मेरा कंडीशन था उस जैसा है या फिर उससे भी और सीवियर कंडीशन में है, राइट। अब इन दैट केस उनको नेचुरल प्रोसेस काम नहीं आएगा, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत है, जैसे कि मिनोक्सिडिल टर्मरोलर, फिनस्ट्राइड या मल्टीविटामिन टैबलेट, इनके ही ज़रूरत है, राइट। अब मार्केट में यही प्रोडक्ट्स के कई अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल है और अलग अलग व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ब्रांड ले कौन सा ना ले, कौन सा किसका अच्छा रिजल्ट है या नहीं, और मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर रिव्यू देने के लिए। तो मैं रिव्यू देता हूँ इसमें क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल मिनोक्सिडिल की अगर हम बात करें तो मिनोक्सिडिल कई ब्रांड्स के मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि मिनटॉप है, मोर एफ है, टूगेन है, मीनोकेम है, मिनी चेक है, फॉलिक्सिडिल है, मार्स बाय जीएससी का है, मैन मैटर्स का है, राइट। अब व्यूअर्स मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं इन प्रोडक्ट्स का रिव्यू देने के लिए, तो मैं एक एक करके रिव्यू देता हूँ। इनमें से कुछ ब्रांड्स मुझसे अप्रोच करते हैं, स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि पैसा मिलने से मिनोक्सिडिल का जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगा, मिनोक्सिडिल से रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? अगर मैं पैसा ना लेकर अगर मैं मिनोक्सिडिल के बारे में बताऊं तो उससे रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? अब मान के चलिए कि फॉलिक्सिडिल है या फिर मैन मैटर से या फिर मान के चलिए मोर एफ के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं मिलता, ये मिनोक्सिडिल से रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप क्या मुझसे सवाल नहीं करेंगे कि मिनोक्सिडिल तो मिनोक्सिडिल होता है तो इनके मिनोक्सिडिल से रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा? मैं आपको क्या आंसर दूंगा? सेम वे अगर अब मैं बोलता हूँ कि यस मिनोक्सिडिल तो मिनोक्सिडिल है, इससे रिजल्ट मिलेगा, तो क्या मैं बिक गया? क्या ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है तो स्पॉन्सर्ड वीडियो से क्या ऐसा होता है कि रिजल्ट नहीं मिलता है? ऐसा कुछ है नहीं है, राइट। अब मिनोक्सिडिल के कई वेराइटीज अवेलेबल है, जैसे कि प्लेन मिनोक्सिडिल हो सकता है, मिनोक्सिडिल लिक्विड बेस में हो सकता है, मिनोक्सिडिल अल्कोहल बेस में हो सकता है, मिनोक्सिडिल नॉन अल्कोहलिक बेस पे हो सकता है, मिनोक्सिडिल फोम बेस में हो सकता है, मिनोक्सिडिल प्लेन भी हो सकता है, मिनोक्सिडिल विद फिनस्ट्राइड भी हो सकता है, मिनोक्सिडिल विद प्रोकैपिल भी हो सकता है, मिनोक्सिडिल विद रिडेंसिल भी हो सकता है। अब मिनोक्सिडिल तो उसमें है तो मिनोक्सिडिल का जो काम है वो तो करेगा, साथ में जो एडिशनल ये सब चीज़ें उससे भी फर्क हो सकता है, 19-20 का फर्क आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल शक्कर की अगर हम बात करें, चीनी, उसको अगर हम पानी में डालें या फिर दूध में डालें, चाय में डालें, खीर, हलवा, किसी में भी डालें, शुगर का टेस्ट क्या मीठा, तो जिनमें भी डालेंगे वो उसका टेस्ट तो मीठा ही होगा। सेम वे मिनोक्सिडिल मिनोक्सिडिल है, उसका रिजल्ट तो मिलेगा। अब चाहे मैं उसका स्पॉन्सर करूँ या ना करूँ, मिनोक्सिडिल का रिजल्ट तो मिलेगा, तो इसमें मैंने गलत क्या बोला आप ये बताइए। यही सब ब्रांड के अलग अलग और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हेयर ऑयल है, शैम्पूज है, डेली यूज शैम्पूज है, डीएसटी ब्लॉकर शैम्पूज बोलते हैं। तो कभी आपने मुझे देखा कि मैं वैसे प्रोडक्ट का मैं प्रमोट कर रहा हूँ, या फिर मैंने कभी ऐसा बोला है कि शैम्पू लगा लीजिए आपके नए बाल उग जाएंगे, जो गंजापन है वो दूर हो जाएगा? मैंने कभी ऐसा बोला है कि ये हेयर ऑयल लगा लीजिए आप जो गंजापन है वो दूर हो जाएगा? मैंने पुराने वीडियोस में यही बोला है कि हेयर ऑयल काम नहीं करता है, जो लोग बचपन से लगाते आ रहे हैं, अगर हेयर ऑयल काम करता तो वो कभी गंजा नहीं होते, राइट। तो मैंने कभी स्टेटमेंट चेंज किया है क्या? क्या मैंने कभी स्टेटमेंट चेंज किया है कि पहले बोलता था कि शैम्पू सिर्फ क्लींजिंग पर्पज़ के लिए, मतलब सिर्फ साफ करने के लिए होता है, इससे ना तो नए बाल आता है ना ही हेयर फॉल बंद होता है? तो ऐसा कुछ है क्या मैंने कभी कोई ऐसे वीडियो बनाया जिसमें मैंने बोला कि ये शैम्पू लगा लीजिए आपके नए बाल उग जाएंगे? नहीं, राइट। हाँ, मैंने कुछ ऑनियन ऑयल के वीडियोस बनाए हैं और इससे पहले कुछ इंदुलेखा, केश किंग, इनके बारे में भी बताया, और मैंने क्या बोला है, उससे रिजल्ट नहीं मिलता है। कुछ व्यूअर्स ने ऑनियन ऑयल यूज़ किया है और उन्होंने बोला कि हेयर फॉल कंट्रोल होता है, तो मैंने क्या बनाया है वीडियो में, यही बताया है कि 85% से अगर आपके हेयर है गंजापन नहीं दिख रहा है लेकिन फर्दर आपको लग रहा है कि गंजापन हो सकता है, इन दैट केस अगर आप ऑनियन ऑयल लगाना स्टार्ट करते हैं तो आपके हेयर मेंटेन रहेंगे, फर्दर लॉस नहीं होगा, यही बोला है।
अब अगर मैं कोई ऐसा वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं बोलूँ कि आपका ये कंडीशन है, 40-50% हेयर है और ये ऑयल लगाएंगे तो रीग्रो हो जाएगा, तब आप मुझे बोल सकते हैं कि यस मैं फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पैसे के लिए मैं बिक गया हूँ या फेक स्पॉन्सर्ड कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ऐसा कभी वीडियो नहीं बनाया, ये आप भी जानते हैं। ट्रस्ट मी, मेरे पास 500 से ज़्यादा ईमेल है प्रोडक्ट्स के जो स्पॉन्सर करने के लिए बोलते हैं, पैसे देने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैंने कभी उनका रिप्लाई नहीं दिया, और जिनको रिप्लाई दिया तो इतना ही बोला है कि सॉरी मैं ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकता जिससे कि रिजल्ट नहीं है, क्लिनिकली कहीं पर भी प्रूवन नहीं है, तो मैं वो वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो आज भी नहीं बना रहा हूँ, अगर मैं बनाता तो आप सोचिए इन 4 साल में 500 से ज़्यादा मेरे वीडियोज बन चुके होते हैं, हर 1-2 दिन में वीडियोज आता, फेक इन्फॉर्मेशन आता, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। यस, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने कौन सा मल्टीविटामिन टैबलेट लिया, तो मैं बोलता हूँ कि टूशे वेलनेस फॉली चार्ज का मैंने मल्टीविटामिन टैबलेट लिया है, राइट। अब इसको भी ऐसा मत समझिए कि मैं इसका स्पॉन्सर कर रहा हूँ या फिर प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं कमेंट से बचना चाहता हूँ। आप नोट करते होंगे कि आजकल मैं रिप्लाई करने में लेट हो जाता हूँ, क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स आते हैं तो एक साथ सबका नहीं हो पाता, 1-2 हफ्ता लेट हो जा रहा हूँ, इवन उससे ज़्यादा भी हो रहा हूँ। तो जो कॉमन क्वेश्चन है उसका आंसर कर रहा हूँ, ताकि अगर मैं कमेंट ना कर पाऊँ तो आप मेरे कमेंट का वेट ना करें। यस, कुछ पूछते हैं कि मैंने कौन सा मल्टीविटामिन लिया था, तो टूशे वेलनेस पॉलीचार्ज लिया था। अब इसमें हेयर से रिलेटेड जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब इसमें है। हाँ, इसमें पहले ओमेगा नहीं था, तो आज इसमें ओमेगा 3 भी है, वेज ओमेगा सी बकथॉर्न का। बायोटिन भी 10,000 mcg इसमें है, ठीक है, और बाकी जितने भी विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, जिंक, देन अमीनो एसिड जो चाहिए इसमें है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। आपने एक चीज़ नोट किया रहेगा कि ये कई बार अनअवेलेबल भी होता है, ऑनलाइन कहीं पर भी नहीं मिलता है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं मिल रहा है तो आप खाली बैठेंगे, आपका काम चलना चाहिए, तो ऑल्टरनेट ऑप्शन भी तो होना चाहिए। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। इसीलिए कई व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि ये नहीं तो वो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कुछ तो ऑप्शन दो या फिर इसका रिव्यू दो, तो वैसा ही मैं रिव्यू देता हूँ। कुछ व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि आपने कौन सा मिनोक्सिडिल यूज़ किया, तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि मैंने 3-4 मिनोक्सिडिल यूज़ किया। सबसे ज़्यादा जो मैंने यूज़ किया वो है फॉलिक एसिड, जो कि ऑनलाइन नहीं दिखता है। 2017 की बात है, तब मैंने यूज़ किया था मुंबई अंधेरी में जब रहता था, नोवल केमिस्ट से लिया था। अब अगर हर कोई तो अंधेरी नहीं रहता है, अलग अलग स्टेट में रहते हैं, अब अगर उधर अवेलेबल नहीं है या फिर ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, तो इट डजेंट मीन कि बाकी मिनोक्सिडिल नहीं ले सकते। आपके पास ऑप्शन होना चाहिए ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन होते रहना चाहिए, आपका काम चलते रहना चाहिए, वो प्रोडक्ट हो या ना हो। सेम वैसे ही लेटेस्ट एग्जांपल आप देख लीजिए कि ऑनियन ऑयल की बात करें, फॉली 9 के बारे में कई लोगों ने बोला उसका रिजल्ट अच्छा है, हेयर फॉल कंट्रोल होता है, 85% से ऊपर जिनका हेयर है मतलब उनकी बात कर रहा हूँ, हेयर फॉल कंट्रोल हो रहा है, रिजल्ट अच्छा है, लेकिन कई महीनों से वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो इट डजेंट मीन कि अब वो नहीं है तो आप ऐसे खाली बैठे रहेंगे, आपके पास दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए। इसीलिए कई व्यूअर्स मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो तो है नहीं, कौन दूसरा इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू दे दीजिए, ये कैसा है, यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो मैं रिव्यू देता हूँ और ऑनेस्ट ही देता हूँ। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, चैनल का नाम जेन्युइन टिप्स है, तो ऑलवेज आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही दूंगा। चंद पैसों के लिए मैं फेक इन्फॉर्मेशन, फेक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं करूंगा। जो 4 साल से मैंने इज्जत, रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, जो प्यार, जो भरोसा आपसे लिया है, उसको कभी स्पॉइल नहीं करने वाला हूँ, इतना आप ट्रस्ट मुझ पर कर सकते हैं। आई होप मैंने डाउट क्लियर किया है, जो लोग मुझसे नाराज है या फिर शिकायत है उनको मैं समझा पाया हूँ और एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि यस क्या रीज़न है या नहीं है, और आप जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जनरल टिप्स के साथ। धन्यवाद।